अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ चंद अहदीस मुबारक लेके, जिनका ताल्लुक़ दुआ की फ़ज़ीलत से है। दुआ इंसान में इज़्ज़ो इनकसारी पैदा करती है, हम्बलनेस पैदा करती है, अपने रब के आगे झुकना पैदा करती है, अपने रब से मांगना पैदा करती है। और जो अपने रब से मांगता है वो फिर गैर से नहीं मांगता। और अपने रब से हर चीज़ मांगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तो आपने सुनी होगी कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए वो भी अपने रब से मांगो। यानी मामूली से मामूली हाजत अपने रब से मांगने में आर न समझो। बड़ी बड़ी हाजतें, छोटी छोटी हाजतें, हर किस्म की हाजत अपने रब के आगे रखो। आइए ज़मीन में कुछ अहदीस मुबारक देखते हैं। पहली रिवायत हज़रत नुमान इब्न बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु से, वो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम को फरमाते हुए मैंने खुद सुना, समिअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ जो है वो इबादत है, दुआ जो है वह इबादत है कि तुम अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाह से मांगना भी इबादत के ज़ुमरे में ही आता है। तो जो वो वक्त आप दुआ में लगाते हैं, आप अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं साथ साथ, उससे मांग रहे हैं, उससे मांगना भी इबादत है। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत मुबारक बतौर दलील तिलावत फरमाई, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ। और तुम्हारे रब ने फरमाया, तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वह अन करीब दोज़ख में दलील व ख्वार होकर दाखिल होंगे। तो दुआ ना करना किब्र की अलामत है और दुआ करना बंदगी की अलामत है। तो दुआओं को अपने मामूल में शामिल करें और दुआ करते हुए उसके कुछ आदाब हैं, उस पर मैं आपको पहले बड़ी तफसील से वीडियो दे चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि दुआ मांगने के आदाब क्या है। मुख्तसरन अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी किब्रियाई, उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद, फिर अपनी अर्ज़ अपने रब के आगे रखना बतौर बंदा, गाफिल दिल के साथ नहीं रखनी, गाफिल दिल के साथ नहीं रखनी, जो ज़बान से कह रहे हो दिल से उसको महसूस भी करो कि मैं अपने रब के आगे बैठा हूँ, अपने रब से अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरा कोई पालनहार नहीं है, मेरा कोई इलाह नहीं है, बस वही इलाह है, वही माबूद बरहक है, मैं सिर्फ़ उसी की इबादत करता हूँ और सिर्फ़ उसी से मांगता हूँ। रवि नमाज अगर पढ़ी हो तो उसमें भी यही मांगा है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं, और तुझ ही से मांगते हैं। तो अब ये तमाम मामलात के बाद अपने दिल को यकजा करके उसके आगे अपनी अर्ज़ रखें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसके अंदर एक हलावत पैदा होगी। फिर दुआ के इख्तिताम में भी दुरूद पढ़ें और दुआ में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल को उसके अस्माए हुस्ना से पुकार। मगफिरत मांग रहे हैं तो या गफ्फार या गफूर, रहम मांग रहे हैं तो या रहीम या रहमान, रिज्क मांग रहे हैं तो या रज़ाक, इसी तरह अल्लाह के दीगर अस्माएँ। बहरहाल ये जो रिवायत मुबारक है इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है अस-सुनन में, किताब अत-तफ़सीर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मिन सूरा अल-मुमिन, सूरतुल मुमिन के बाब में हदीस नंबर 3247, और फिर सूरतुल बकरा के बाब में भी हदीस 2969, और फिर इमाम तिर्मिज़ी इसको मज़ीद
किताब अद्दावात यान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में बाब माजा फी फ़ल दुआ के तहत भी लाते हैं, हदीस नंबर 3372। अच्छा, इमाम अबी दाऊद इसको सुनन में किताब उस्सलाह के तहत लाते हैं बाब अद्दुआ में, हदीस नंबर 1479। और इमाम इब्ने माजा इसको फिर सुनन में किताब उद्दुआ में बाब फ़ल दुआ में लाते हैं, हदीस नंबर है 3828। और फिर इमाम नसाई इसको सुनन कुबरा में लाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल इसको अल मुस्नद में लाते हैं, इमाम इब्न हिब्बान भी इसको सही में लाते हैं हदीस 890, और इमाम हाकिम इसको अल मुस्तदरक में लाते हैं, इमाम अबू याला इसको अल मौजम में लाते हैं हदीस 328, और इमाम तैलासी इसे अल मुस्नद में लाते हैं हदीस 801, और इमाम तिरमिज़ी इसे रिवायत करते हैं व सहहहु व अबू दाऊद, और वो इसे दर्जा सही की बताते हैं, और इमाम हाकिम जो है वो कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। अच्छा, अब अगली रिवायत की तरफ आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहला जो काला है ना वो हज़रत अबू हुरैरा की तरफ से होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अगला काला जो है ना वो हुजूर का इरशाद होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा उलमाए कराम जब हदीस पढ़ा रहे होते हैं तो कभी जोश खिताबत में कहते हैं कि भाई उलमा की हदीस पढ़ाने वालों की तो सारी ज़िंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर जाती है। तो पहला जो काला है वो रावी का है और दूसरा काला जो है वो हुजूर का है। इसलिए जब आप देखेंगे हदीस की किताबों में बाज़ों में पहले काला के बाद दो कोलन होते हैं फ़र्क करने के लिए, ताकि लोग ये ना समझें कि दो दफ़ा काला काला क्यों आ गया। अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस शैउन नकरम अलल्लाह तआला, तो अल्लाह लैस शैउन अकरम अलल्लाह तआला मिन अद्दुआ, कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मोहतरम व मुकर्रम नहीं है। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि बारगाह इलाही में दुआ का कितना आला मुकाम है। और इसे फिर इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है सुनन में किताब दावत वन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाब कायम किया है माजा फी फ़ज़्ल दुआ में हदीस 3370। फिर इब्ने माजा ने इसको सुनन में फिर किताब दुआ में रिवायत किया है हदीस 3829, और इब्ने हिब्बान ने इसको सही में रिवायत किया है 870, और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत किया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अल मुस्नद में, इमाम बहकी ने शौबुल ईमान में, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफ्रद, इमाम बुखारी की सही बुखारी के अलावा भी हदीस की किताब अल अदबुल मुफ्रद है, अगर आपने इसका नाम ना सुना हो तो बहरहाल उसमें हदीस नंबर 712। और इमाम हाकिम कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, और इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक ये दर्जा हसन पर है। अच्छा, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत आती है कि अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे पसंद हो कि अल्लाह ताला मुश्किलात और तकालीफ के वक्त उसकी दुआ कबूल करे तो उसे चाहिए कि जब वो खुशहाल हो, खुशहाली का जब वक्त हो, अच्छा वक्त हो, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम खुश होते हैं तो रब को भुला बैठते हैं, जब डंडा पड़ता है हालात का फिर तब रब की याद आती है। तो अब इसको आप आपने मामूल में मनाना है, अच्छा वक्त हो के बुरा, अपने रब से मांगते रहना है, मंगते बन जाओ उसके दर के, फिर और किसी दर पर जाना ही नहीं पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं, उसके दर के सवाल ही हैं और वही देने वाला है, उसी की ज़ात है जो देती है और कोई नहीं देने वाला। और इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम अबी दाऊद ने रिवायत किया, इमाम इब्ने माजा ने रिवायत किया। इमाम तिरमिज़ी से किताब दावत यान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाते, लेकिन बाब है माजा अन दावतुल मुस्लिम मुस्लिम मुस्तजाब हदीस 3382। फिर इमाम अबी दाऊद इसको सुनन में किताब उस्सलात में बाब फ़ज़्ल दुआ के तहत हदीस 3828 में लाते हैं। इमाम नसाई सुनन कुबरा में सूरह गाफिर के बाब में लाते हैं। इमाम इब्न हिब्बान इसको सही में हदीस लाते हैं। फिर इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में इसे लाते हैं, और इमाम अहमद इब्न हम्बल इसे अल मुस्नद में लाते हैं। इमाम अबू याला इसे लाते हैं अल मुअज्जम में,
میں اور امام طیلاسی سے المسند میں لاتے ہیں. تو بہرحال کئی کتب حدیث میں آتی ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد ہے, صحیح الاسناد ہے یہ روایت. تو بہرحال آج میں نے آپ سے چند ایک روایات تین کے قریب شیئر کی ہیں اور ان کا تعلق کس سے ہے, دعا کی فضیلت کے بیان سے کہ دعا کو اپنے معمول میں شامل کریں. آپ میں سے ایک بھائی نے کل جب میں نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے فضائل کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ دعا کے فضائل پر بھی بات کریں. تو یہ چند ایک روایات ہیں, اور بھی بہت ساری روایات ہیں دعا کے فضائل کے ضمن میں. اگین اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر ایک اور درس کریں گے جس کے اندر دعا کے فضائل پر اور بات کریں گے. اور اسی طرح اللہ کے ذکر کرنے والوں کے فضائل کے ضمن میں میں نے ایک درس دیا ہے. آپ چاہتے ہیں مزید دروس میں دوں تو آپ اس کے بارے میں بھی مجھے لکھیں, کیوں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ کہاں پر ہے, کن چیزوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. اپنی طرف سے تو میری کوشش ہے کہ علم کو زیادہ سے زیادہ بانٹا جائے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو علم بانٹنے کبھی ہم نکلتے ہیں تو لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ اس پہ آپ توجہ بھی کریں اور علم حاصل کرنے کا اپنے اندر شوق بھی پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے حال پر کو سدھار کی طرف لے جائے اور گمراہیوں سے بچائے اور کبر سے بچائے اور اپنے در کا منگتا بنائے اور اللہ کے در کے سوا کسی اور کے در سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے, اللہ تعالیٰ بدعات سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بچائے اور ہمیں معاف کر دے ان تمام گناہوں کو جو ہم نے کیا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں, اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے, دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.